एवरीवन वेलकम करते हैं एक और न्यू वीडियो में। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियल क्रिकेट 24 के बारे में, साथ ही में गाइस बात करेंगे इसके ट्रेलर और रिलीज डेट यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा रियल क्रिकेट 24 की। सो पहले तो गाइस यहाँ पे एक्सट्रीमली सो सॉरी, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को कहा था कि वीडियो अपलोड रेगुलर यहाँ पे हफ्ते में 2-3 वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं ला पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे से अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ कि हाँ हो सकता है कि मैं अभी हफ्ते में 2 वीडियो तो आप लोगों के लिए अपलोड कर ही दूँ, बट जो भी वीडियो नहीं आ पाई उसके लिए सो सॉरी गाइज। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ, तो इसके लिए वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट भी करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूँ आप लोगों को। तो गाइज बात करें यहाँ पे रियल क्रिकेट 24 के बारे में, तो कल यहाँ पे इनका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। वैसे तो गाइज यहाँ पे डेली मेनो ने ये ट्रेलर बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया था जब इनका इवेंट हुआ था, बट कल ये ऑफिशियली ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। बट मैं आप लोगों को बताऊँ तो ट्रेलर ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है GPL के एक टूर्नामेंट में, जो GPL लीग एक चलती है उसके एक यहाँ पे कल एक कुछ था उनका, मुझे याद नहीं सही से क्या था, ड्राफ्ट करके कुछ चीज़ें थी, तो वो वहाँ पे लाइव चल रहा था उनका, मतलब लाइव कर रहे थे वो ड्राफ्ट में अपने GPL के ऑफिशियल चैनल पर। तो बीच में जब भी वो ब्रेक लेते थे तब वो रियल क्रिकेट 24 का ऐड उन्होंने चलाया था, उसमें एक बार नहीं कई बार उन्होंने रियल क्रिकेट 24 का ऐड चलाया, उसके साथ साथ गए जहाँ पे 22 का भी ऐड चला, कुछ बीच बीच में मतलब कई सारे ऐड चल रहे थे, तो जिसमें कल 24 का ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली लॉन्च हो चुका है। तो ये भी ऑफिशियल उनके चैनल पर नहीं आए रियल क्रिकेट के, बट मैं आप लोगों को बताऊँ तो GPL का जब ऑफिशियल आप वो देखेंगे पेज जाके, मतलब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस बात कर लेते हैं तो ट्रेलर में क्या कुछ चीज़ें लॉन्च करी गई हैं। तो गाइस ट्रेलर मैंने ट्रेलर आप लोग गाइस पहले ही देख चुके हो कि जो भी ट्रेलर चीज़ें आई हैं, तो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेने वाला हूँ कि क्या कुछ इन्होंने नया ऐड करा है। तो सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे जो न्यू ऐड हुई है वो यहाँ पे ऐड हुआ है स्टेडियम का। तो गाइस यहाँ पे स्टेडियम न्यू ऐड होंगे और स्टेडियम न्यू ऐड कौन से होंगे वो भी कंफर्म नहीं है, और स्टेडियम न्यू जो ऐड हुए वो इस ट्रेलर में दिखाए नहीं गए हैं, बट जो आने वाला अपडेट है उसमें स्टेडियम आप लोगों को न्यू देखने मिलने वाले हैं। और उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे स्टेडियम में यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्होंने उसमें जो है इम्प्रूवमेंट भी करी है स्टेडियम में। यहाँ पे आप लोग लाइटिंग देखेंगे, उसी के साथ साथ जो स्टेडियम के ग्राफिक्स है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता तो आप लोगों का अहमदाबाद स्टेडियम देखेंगे, तब वो काफ़ी यहाँ पे ऑसम लग रहा है पहले के मुकाबले। तो स्टेडियम में उन्होंने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करी है। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे कि और कुछ क्या नया आने वाला है। तो यहाँ पे इस ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें दिखी हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्राफिक्स तो इंप्रूवमेंट हुए ही हैं पहले के मुकाबले, ट्रेलर में ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे दिख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक न्यू चीज़ ऐड करी गई है, जब यहाँ पे प्लेयर एंट्री करते हैं तब आप लोगों को एक कैमरा देखने को मिलता है, जो तो गाइस जब आप लोग रियल मैचेस में देखेंगे साइड में एक कैमरा वहाँ पे राउंड करता हुआ है कि यहाँ पे फोटेज लेता है, उसी तरीके का आप लोग को इसमें कैमरा देखने को मिलने वाला है। साथ ही में इस बार इन्होंने न्यू कुछ सेलिब्रेशन भी ऐड करे हैं, साथ ही में उसके साथ साथ न्यू कटसीन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस वो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग नोटिस करिए तो यहाँ पे प्लेयर के जो फेसेस हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज करा गया है, कुछ हद तक कि उन्होंने रियल लुक देने की कोशिश करी है। बाकी गाइस अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को बता दूँ कि RC24 में एक मोड क्रिएटर करके, क्रिएटर मोड करके फीचर आने वाला है, जिसमें आप लोग अपने पसंदीदा जैसा करेक्टर चाहे वैसा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ, उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे लीग के लोगो हुए, हर एक चीज़ आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ऑसम चीज़ लगी मुझे है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करी जाए यहाँ पे और क्या चीज़ नहीं आई है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ प्लेयर के अगर आप लोग हैंड में देखेंगे तो एक बैंड टाइप का लगा हुआ है, रिस्ट बैंड जो होता है उस टाइप का एक लगा हुआ है, वो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे न्यू चीज़ ऐड कर रहा है, वो रियल फीलिंग दे रहा है कि हाँ जब प्लेयर कई लोग होते हैं वो रिस्ट बैंड पहनते हैं या फिर ऐसे ही नॉर्मली भी कभी कभी पहन लेते हैं। सो बाकी गाइस यहाँ पे आप लोगों को बताओ तो न्यू शॉट भी ऐड करे गए इस बार हैं। बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि गेम में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, बट गेम में काफ़ी इन्होंने इंप्रूवमेंट करा है। अगर आप लोग ट्रेलर को सही से देखेंगे तो गेम में बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। बाकी आप लोगों को गेम पहले ही तरीके से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गेम बिल्कुल भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ कुछ नया गेम देखने को मिला, बट गेम में जो चीज़ें ऑप्टिमाइज करी गई हैं वो तरीके की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो गेम में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को रियल देखने को मिलने वाली हैं, पहले के मुकाबले बेटर देखने को मिलेगी। बैट जो आप लोगों का साउंड होगा उसको इम्प्रूव करा गया, उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्लेयर के जो यहाँ पे फेसेस हैं, जो प्लेयर का जो आप लोग देखेंगे जो पहले प्लेयर जो है बहुत छोटे हुआ करते और एक ही साइज़ के हुआ करते थे, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे प्लेयर के जो हाइट है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर दी गई, बॉडी जो है वो थोड़ी हेल्थी यहाँ पे लग रही है। उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे गाइज अगर आप लोग देखेंगे तो अंपायर है, अंपायर भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया, मतलब अंपायर चेंज नहीं, अंपायर की जर्सी यहाँ पे चेंज कर दी गई है। तो ऑल ऑल थिंग्स जितनी भी बात करें बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मुझे अच्छी लग रही हैं,
बाकी गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब ट्रेलर ऐसे देखा जाए तो मान सकते हैं आप लोग ये ट्रेलर लॉन्च ही हो चुका है। बाकी गाइज अगर मैं आप लोगों को बात कर लेता हूँ कि कब तक ये गेम आ सकता है, तो गाइज अभी आप लोगों को दिल्ली में जो इवेंट हुआ था आप लोगों को बता होगा कि दिल्ली में कंपनी ने बताया था 24 जिसको एक्सपीरियंस करना वो आ सकता है दिल्ली में, तो वहाँ पे उस इवेंट में उन्होंने यहाँ पे रियल के 24 को एक्सपीरियंस करने के लिए दिया है। तो इसका एक बात तो बिल्कुल साफ है कि रियल के 24 यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है और वो फाइनल स्टेज में लगभग है। तो मेरे हिसाब से कंपनी जल्द से जल्द चाहेगी कि हम लोग को गेम प्रोवाइड कर दिया जाए, और मे बी गाइज अगर वर्ल्ड कप यहाँ पे एंड होने से पहले हम लोग को मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के टाइम पर गेम की ज़्यादा हाइप ही है और उसी के साथ साथ गेम के डाउनलोड्स को मतलब गेम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आई होप गाइज आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं उसी को बहुत जल्दी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।